सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स टू पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जादवपुर प्रिंटिंग ब्रांच के बारे में। प्रिंटिंग ब्रांच लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्या सही विकल्प है कि नहीं है। तो अगर तुम WBJEE डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मेक श्योर इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि वो ब्रांच कितना हद तक सही है। एंड अगर तुम नेक्स्ट ईयर WBJEE के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि जादवपुर में प्रिंटिंग ब्रांच कैसा है, लेना सही रहेगा, किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए एंड क्यों नहीं लेना चाहिए बाकी सब स्टूडेंट्स को। तो सारा कुछ डिस्कशन होगा डिटेल में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो WBJEE डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो जोशा के बाद ठीक स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कॉलेजेस है, जो अच्छे कॉलेजेस है, जो कि CU हो गया, जादवपुर हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, ये सब जो अच्छे कॉलेजेस है इनका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होना बाकी है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सो अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या JEE एंड WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर नेक्स्ट ईयर, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो डैट आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स रेगुलर मिलते रहे। एंड जैसे कि हम लोग एक ऐप है एडुलब्बिया, तो अगर तुम JEE एंड WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी सारा मटेरियल्स अपलोड करके दिया गया है। दोनों ही है, पेड है भी है एंड फ्री भी है, तो तुम फ्री को एक्सेस जरूर कर लो। उसमें ईबुक भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, तो मेक श्योर उस ऐप को डाउनलोड करके जरूर रख लो अगर तुम JEE मेंस एंड WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अब हम बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो प्रिंटिंग ब्रांच है वो लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव तुमको ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब देखो, ये कन्फ्यूजन जनरली उन स्टूडेंट्स को होते हैं जिनका रैंक अंडर 5000 होता है। मैं जनरल का बात करूँ, ठीक है, तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा रैंक अंडर 5000 है तो तुमको मिलने का चांसेस है। तो मोर स्पेसिफिकली 2000 से लेकर के 5000 के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे ये लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो, अंडर 5000 में तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बोला जाए तो, मतलब जादवपुर प्रिंटिंग का जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि कल्याणी का तुम्हें IT मिल सकता है, 2K to 5K का मैं बात कर रहा हूँ, कल्याणी का IT मिल सकता है, EC मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, तुम्हें जलपाईगुड़ी में CSE मिल सकता है, IT मिल सकता है, हेरिटेज में CSE मिल सकता है, IT मिल सकता है, और IIM में तुम्हें IT मिल सकता है। तो 2K to 5K में तुम्हें ये सब ब्रांचेस मिल सकता है। अब बात आया मुझे कि ये सब ब्रांचेस लेना चाहिए या मुझे जादवपुर में प्रिंटिंग लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन को मैं चूज करूँ। अब जैसे कि मैं एक बात बता दूं कि आप जादवपुर में ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हो, तो अगर तुम ये बात सोच रहे हो कि मैं जादवपुर में प्रिंटिंग ले लिया एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में मैं जाकर के ब्रांच चेंज कर लिया, यानी कि मैं जो प्रिंटिंग था प्रिंटिंग से मैं इलेक्ट्रिकल कर लिया या मैकेनिकल कर लिया या कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो जादवपुर में ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। ब्रांच चेंज का फैसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सेकेंड ईयर में जाकर के कोई ब्रांच चेंज कर लो, ये नहीं हो सकता है। अब देखो, अगर तुम ये सोच कर ले रहे हो कि मुझे जादवपुर मिल गया तो प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा, आप प्रिंटिंग मतलब लेके एडमिशन करवा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रिंटिंग में अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादवपुर का मतलब ही प्लेसमेंट ऐसा नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सोचना ये कि जादवपुर इज इक्वल्स टू प्लेसमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंटिंग के लिए तो ये बिल्कुल है ही नहीं कि हाँ प्रिंटिंग ले लिए तो जादवपुर में एकदम प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, मतलब जैसे बाकी सब ब्रांचेस को होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट मैं तो एकदम से ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक जाता है, मतलब काम चलाने लग जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जादवपुर में एडमिशन मैंने ले लिया तो मेरा लाइफ सेटल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है फॉर प्रिंटिंग। तो ऐसा मत सोचो कि अगर मैं प्रिंटिंग ब्रांच ले लेता हूँ तो मैं 4 ईयर एकदम रिलैक्स से पढ़ूंगा, कैंपसिंग होगा तो मैं कैंपसिंग में आराम से मुझे अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इतना रिलैक्स नहीं कर सकते हो जैसे जो बाकी सब ब्रांचेस के जो स्टूडेंट करते हैं, मतलब बाकी सब ब्रांचेस के स्टूडेंट आराम से मतलब यही सोचते कि हाँ चलो CSE IT मैकेनिकल EC इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच लग गया तो चलो मेरा लाइफ तो सेटल हो गया, तो ये बात सही है, मतलब हाँ मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रिंटिंग के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, पूरा 180 डिग्री है। अब जरा ठीक से समझो, सपोज कोई एक कंपनी है XYZ, वो क्या कर रहा है, वो जादवपुर में विजिट कर रहा है, तो उसने क्या कहा कि हर एक ब्रांच के जो स्टूडेंट है जो कि जादवपुर में पढ़ते हैं वो एलिजिबल है फॉर कैंपसिंग। यानी सपोज वो जो XYZ कंपनी है ना, उसने ये कहा कि आप CSE से बिलोंग करते हो या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो या पावर से, कंस्ट्रक्शन से, प्रिंटिंग से, जो मतलब ब्रांच से बिलोंग करते हो, यू आर एलिजिबल
टू सीट इन द कैंपसिंग, तो ऐसा कुछ है। अब जैसे कि जो मैक्सिमम जो कंपनी होती है वो हर एक ब्रांच को अलाउ करती है, ठीक है, मतलब कुछ ही कंपनी होती है जो कि स्पेसिफिक ब्रांच को अलाउ करती है। अब सपोज जैसे गूगल आ गया, अब गूगल तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ प्रिंटिंग का स्टूडेंट है वो मैं अलाउ करूँगा, ये कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट है मैं इसको अलाउ करूँगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो लेकिन मैक्सिमम कंपनी हर एक ब्रांच स्टूडेंट को अलाउ करती है, ठीक है। अब जैसे सपोज तुम प्रिंटिंग लेके पढ़ाई कर रहे हो, तुम तो मतलब अटेंड तो कर ले कैंपसिंग, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। अब देखो प्रिंटिंग के लिए भी प्रिंटिंग का कंपनी आती है। अब लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मुझे अच्छा कंपनी में जाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो कोर एंड नॉन कोर का जो कंपनी आती है उनके लिए बैठना पड़ेगा। प्रिंटिंग के लिए भी आती है लेकिन तुमको वहाँ पर अच्छा नहीं मिलने वाला है। अगर तुम प्रिंटिंग लेके पढ़ाई कर रहे हो तो प्रिंटिंग का फील्ड में भी कंपनी आती है जादवपुर में, लेकिन आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट पैकेज या कोई अच्छा कंपनी नहीं मिलेगा जो कि आपको कोर एंड नॉन कोर में मिलता है। नॉन कोर मतलब सीएससी आईटीसी एंड कोर मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सब वगैरह, ठीक है। एंड प्रिंटिंग को मैं लोअर ब्रांच बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा कंपनी अच्छा पैकेज प्लेसमेंट ये सब अच्छा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन फोर ईयर आपको साइड बाय साइड यानी आपको तो अपना पढ़ाई तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो प्रिंटिंग का जो पढ़ाई है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साइड बाय साइड उन लोगों का जो पढ़ाई है वो भी पढ़ना पड़ेगा। कंपनी में जब बैठोगे तब उन लोग तो सवाल तो पूछेंगे ना, तो सवाल का आंसर तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा साइड बाय साइड। अब ऐसा मान लो तुम प्रिंटिंग ले पढ़ाई कर रहे हो, तुम अचानक से क्या किए, तुम अचानक से टेक कंपनी में बैठ गए, लेकिन अब तुम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो अब कैसे एलिजिबल हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर तुम अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है, कि अगर कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, तो पहले उन लोगों का जो सिलेक्शन होता है यानी कि स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो पहले CGPA के बेसिस पर होता है, कि अगर तुम्हारा CGPA इतना रहा तभी मैं अलाउ करूँगा फॉर नेक्स्ट राउंड। मतलब तुम नेक्स्ट राउंड के लिए तभी एलिजिबल हो अगर तुम इतना CGPA है तुम्हारा। अब सपोज तुम प्रिंटिंग लेके पढ़ाई कर रहे हो, तुम प्रिंटिंग का जो मतलब पढ़ाई है उसमें तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा CGPA उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। एंड लेकिन तुम CSE ITEC का मतलब जो कोर्सेज है जो प्रिपरेशन है वो करने में व्यस्त हो, लेकिन प्रिंटिंग का जो पढ़ाई है उसका जो एकेडमिक्स है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो CGPA उतना अच्छा नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा CGPA है 7 CGPA तुम्हारा एट द एंड ऑफ फोर ईयर, लेकिन कंपनी बोल रही है कि उन्हीं स्टूडेंट को मैं अलाउ करूंगा जिनका CGPA 8.5 है। अब तुम्हारा CGPA 8.5 नहीं है लेकिन तुम काफ़ी मेहनत कर चुके हो, काफ़ी पढ़ाई की हो फॉर CSE ITEC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सब प्रिपरेशन जो होता है, ये सब स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं तुम भी वही की हो, लेकिन तुम्हारा CGPA अच्छा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि तुम प्रिंटिंग के बैठे थे, तुमको प्रिंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो पढ़ाई नहीं किए, तुम्हारा CGPA कम आ गया। अब जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका CGPA उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऑन कैंपसिंग जो होता है तो आपको उसमें CGPA को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप जादवपुर से पढ़ाई करो या कोई और कॉलेज से पढ़ाई करो, पहले कंपनी आपका CGPA देखता है तभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बोलता है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर तुम CGPA भी अच्छा मेंटेन करके रख पा रहे हो, उन लोगों का पढ़ाई भी कर पा रहे हो, देन इट इज़ वर्थ, तभी ये सही है, तो आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। आप CGPA अच्छा मेंटेन करके रख लिए, CGPA अच्छा मेंटेन करने से क्या हुआ कि आप एलिजिबल हो गए। आप एलिजिबल हो गए, आप तो वो प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो उन लोगों का, तो हाँ आप तो कंपनी में इजली क्रैक कर ही सकते हो, उनका जो मतलब जो भी इंटरव्यू राउंड है उसमें क्रैक कर ही लोगे तुम आराम से। अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम हायर स्टडी करना चाहते हो, हायर स्टडी जैसे कि मान लो MTech तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम CSE हो गया, IT हो गया, EC हो गया, इन सब में तुम MTech करना चाहते हो, देन ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकता है अगर तुम प्रिंटिंग लेके पढ़ाई कर रहे हो तो। अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि CSE एंड IT में क्या डिफरेंस है, तो CSE एंड IT का जो प्लेसमेंट है वो लगभग इक्विवेलेंट है, लगभग मतलब एकदम से मैं तो इक्विवेलेंट नहीं बोलूँगा लेकिन इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम हायर स्टडी करना चाहते हो तो ये मैटर करता है कि तुम CSE लेके पढ़ाई कर रहे हो या IT लेके पढ़ाई कर रहे हो।
हायर स्टडी में ही मैटर करता है कि तुम सीएससी लेके पढ़ाई किए हो कि आईटी लेके पढ़ाई किए हो, लेकिन अब बीटेक में मतलब प्लेसमेंट में तो मैटर नहीं करता है कि सीएससी में कितना प्लेसमेंट जा रहा है, आईटी में कितना प्लेसमेंट जा रहा है, आजकल लगभग एक ही प्लेसमेंट होता है दोनों का, लेकिन हायर स्टडी में मैटर करता है। एंड वैसे भी मतलब सीएससी का जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सपोज 100 स्टूडेंट है तो 100 में से 95% स्टूडेंट प्लेस होंगे फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट एंड 70 स्टूडेंट प्लेस्ड होंगे फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, इनका डिफरेंस रहता है सीएससी एंड आईटी में, लेकिन जो पैकेजेस हो गए, जो एवरेज पैकेज हो गया, वो सब एक ही रहता है। ठीक है, अब फाइनली मेरा जो ओपिनियन है, मैं तुम्हें यही बोलूँगा, जादवपुर प्रिंटिंग को तभी चूज करो अगर पहला तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो, सच में इंटरेस्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें इंटरेस्ट है नहीं तो ले लिए। या दूसरा ऑप्शन, अगर तुम जादवपुर का सिर्फ टैग लेना चाहते हो, कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें बस जादवपुर का टैग से मतलब है कि हाँ मुझे एक जादवपुर का टैग मिल जाए। देखो टैग का इंपॉर्टेंस ही तो होता ही है। सपोज तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किए हो, तो ऑब्वियसली तुम तो ये नहीं बोलोगे हमें जादवपुर से प्रिंटिंग लेकर पढ़ाई की हो, तुम्हारा आंसर यही होगा हाँ मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ। तुम ये कभी नहीं बोलोगे हमें जादवपुर से प्रिंटिंग लेकर पढ़ाई किया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि तुम कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किए हो, यानी कि टैग मैटर करता है। अगर तुम सिर्फ टैग के लिए मतलब जादवपुर में एडमिशन करवाना चाहते हो, देन यू कैन कंटिन्यू विथ प्रिंटिंग, ओके। एंड सेकेंड में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तब भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये फाइनल कंक्लूजन, तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। मैं पूरा मतलब डिटेल में बताने की कोशिश किया कि हाँ तुम्हें मतलब जादवपुर में प्रिंटिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए या किन स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहिए, ये भी मैंने बताया। एंड वैसे भी अगर तुमको जादवपुर में प्रिंटिंग नहीं मिलता है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कल्याणी में कोर भी ले सकते हो, नॉन कोर भी ले सकते हो, जलपाईगुड़ी में नॉन कोर ले सकते हो, तुम्हारे पास ये सब ऑप्शंस है। तो तुम देख सकते हो कि तुमको जादवपुर के प्रिंटिंग के साथ जाना है या तुमको जलपाईगुड़ी एंड कल्याणी का जो कोर एंड नॉन कोर के साथ जाना है। ठीक है,